तो दोस्तों कई बार आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते या फिर सुनते होंगे, जैसे कि उसने भी तो मना किया था, या फिर तुमने भी तो उससे बोला था, या फिर उसने भी तो देखा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिस हम बोलते हैं, तुमने भी तो, उसने भी तो, मैंने भी तो इनको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले यूज़ करना है इवन का, उसके बाद आपको यूज़ करना है अपने सब्जेक्ट का, और उसके बाद आपकी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की अगर ज़रूरत है तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की ज़रूरत है तो सीधी वर्ब आएगी, और उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अब से इस चैनल पर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और डेली यूज सेंटेंसेज वाली वीडियो नहीं आएंगी। वो वीडियोज आपकी उस चैनल पर आएंगी जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल पर सिर्फ आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट ही आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, नो डेली यूज, नो एडवांस स्ट्रक्चर। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल का, वहां पर जाकर मिल जाएंगी, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली उस पर जैसे वीडियो इस पर अपलोड होती है, वैसे ही उस पर डेली एक वीडियो अपलोड होया करेगी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से। इस पर भी डेली एक वीडियो अपलोड होया करेगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, जैसे कि तुमने भी तो ऐसा ही किया था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी Even you did such work, तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने भी तो तुम्हें देखा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी Even he saw you, तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसने भी तो मना किया था, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।